बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम प्लेन केक बना रहे हैं और ये बहुत ही इजी बन जाता है, आसानी से बन जाता है, मैं आपको बता रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, उसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एक मोल्ड है, उस पर हम सबसे पहले क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने तो अवन जो है वो 10 मिनट हो गए ऑन करके रखा हुआ है। सबसे पहले हमने इसको ग्रीस करना है। मक्खन से कर लें, ऑयल से कर लें, घी से कर लें, मैं घी से कर रही हूँ, ठीक है। इसको सबसे पहले ग्रीस करके हम रख लेते हैं एक साइड पे, फिर मैं आपको सारी क्वांटिटी आपको बताती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। और इसको ग्रीस करने का तरीका देख लें आप, चारों तरफ आपने घी मक्खन वगैरह लगा के, ठीक है, इस तरह है। मैदा भी डस्ट करना है, एक मिनट, देखो इस तरह करके आपने ये एक साइड पे रखा ब्रश, और ये हल्का सा आपने मैदा जो है ना इस तरह साइडों पे भी, और इस तरह की भी साइडों पर भी, ये सारा इस तरह का हल्का सा डस्ट करके दरमियान में भी, ताकि आपका केक जो है ना वो इजी से निकल आए। अगर आप ये डस्ट नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, आप बटर पेपर लगा लें अंदर फिर, ठीक है। इसको तैयार कर लिया हमने, ये एक साइड पे रख दें। अब क्या करना है हमने, हम बता देते हैं आपको कि 200 ग्राम मैंने मैदा लिया है, 200 ग्राम चीनी और 200 ग्राम मक्खन लिया है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें 200-200 ग्राम है, और मक्खन जो है वो मैंने थोड़ी देर पहले रूम टेम्परेचर पर रख लिया, तो ये सॉफ्ट हुआ है। अंडे हमने 4 लिए हैं। बेकिंग पाउडर मैंने लिया है 1.5 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून के करीब हम जो है ना वनीला एसेंस यूज़ करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। सबसे पहले शुरू करते हैं मक्खन और चीनी को बीट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्खन लिया है मैंने अनसॉल्टेड, ठीक है। और चीनी मैंने ली है आइसिंग, ये क्या कहते हैं, कैस्टर शुगर, ठीक है। मक्खन और चीनी को हमने कहाँ गया मेरा, इसी से उतार लेती हूँ, ठीक है। अब उसमें बटन ऑन नहीं किया। सबसे पहले मक्खन और चीनी को बीट करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कितनी देर आपने बीट करना है। ये 3 मिनट मैंने किया है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम जो है वो अंडे शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे शामिल करके हम इसको बीट करते हैं। एक मिनट मैंने अंडों को किया है। अब क्या करते हैं कि ये जो मैदा है इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करते हैं, तो हम इसको एक साइड पे करते हैं और इसको मैदे को हम बेकिंग पाउडर के साथ छान लेते हैं। एक मिनट, चम्मच देना था उसमें, पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लो। ये ना पहले बेकिंग पाउडर ही नीचे आ जाए, ये देखें, अच्छी तरह इसको पहले मिक्स किया, अब हम इसको छान लेंगे। नज़र आ रहा है? ये देखिए, चमचा ही मारा लगी, क्योंकि वो मैदे चढ़े ना लम्स आ रहे हैं, देख है। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट हम मशीन नहीं चलाएंगे अभी, क्योंकि मैदा जो है वो उड़ेगा। इसको पहले हम स्पैचुला से मिक्स कर लेते हैं, फिर हम मशीन को तकरीबन 1-1.5 मिनट चलाएंगे, तो मैं आपको फिर बताती हूँ। अब हम बीट करेंगे। हाफ टी स्पून के करीब हमने वेनिला एसेंस शामिल किया, और जो है ना 1 मिनट, अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो है ना मोल्ड में केक शामिल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और इसको बेक करेंगे 40 मिनट्स के लिए, ठीक है। और 180 पर मैंने बेक जो अवन को ऑन करके रखा हुआ है, 180 पर गैस अवन में, ठीक है, उसको 180 पर रखा हुआ है और 20 मिनट हो गए मुझे अवन को ऑन करे हुए और ये 40 मिनट के लिए बेक होगा, ठीक है। ठीक है, अब मैं अवन में रखने जा रही हूँ, फिर मैं मिलती हूँ। बेक हो गया है, ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको पलटते हैं, उन्होंने कोई बर्तन तेल है तो ये उधर चाहिए जिधर चिपकाना है। ये देखिए केक तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको काटते हैं, ठीक है। अब हम इसको कैसे कटिंग करें, इस तरह करते हैं कि इसको दरमियान से कटिंग करके स्लाइस करें। सबसे पहले तो दरमियान में कटिंग करते हैं, फिर इसकी कटिंग करते हैं ऐसे। ये देखिए आज तक धुआं निकल नजर आ रहा है। अच्छा ये है, और इसी तरह थोड़े मोटे मोटे पीस, ये ठीक है। आपने इसको बनाना है तो बहुत इजी है, सॉफ्ट भी बहुत बना है और ये देखें, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बता दूं कि मैंने मैं टी की इस्तेमाल किया था, ये कंप्लीट हो गया। मैं पंजाबी दस लगी हाँ कि किसी भी चीज़ में तुम लेना ना, अगर ऐसा जहाँ केक बनाना मैं तुम सारी तस्वीर दस दी, किसी भी चीज़ में तुम सिंपल जहाँ केक बनाना हो ना तो जिस मिसाल तौर पर 1 किलो मैदा लिया तो 1 किलो ही बटर होएगा तो 1 किलो ही चीनी होगा। क्वांटिटी तो तुम बस लिख लो सारी जिंदगी वास्ते कि 100 ग्राम अगर मक्खन होगा 100 ग्राम चीनी तो 100 ग्राम मैदा, ठीक है। यह तीनों चीज़ें एक जैसी क्वांटिटी की होनगियाँ, फिर मैं तुम्हें तफसील दस दिनी। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं 200 ग्राम के 4 अंडे पाए हैं, इस तरह तुम 1 किलो जो लोगे ना मैदा तो 1 किलो चीनी लोगे तो 1 किलो मक्खन लोगे तो 20 अंडे पाना, सिंपल, ठीक है। तो यह मैं तुम दस दिया तफसील, क्योंकि असं तो 1 किलो के हिसाब से सीखे हुए हैं तो बड़ा व्डा इंस्टीट्यूट होंगे होंगे तो 40-50 स्टूडेंट होंगे सर जो सीखते सन, तो उन्होंने वास्ते फिर बड़े बड़े व्डे केक बनते सन, तो उस हिसाब में मैं जरा अद्धा 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 करके यह मैं तुम्हें सिखाया है, वरना 2 किलो वाला हिसाब से मेरे को, ठीक है। अच्छा कहने का मतलब है कि तुम्हें बस यह बराबर रखना, बाकी अंडे पा के बेकिंग पाउडर पा के बीट करने का आखिरी वनीला एसेंस पाना है, अवन च पा लो। वैसे तो तवे पर भी बन जाता है, तो मैं खैर शुरू मेरे साल हो गया इस गल्ल नूं, तो मैं तवे पर चॉकलेट केक बना सकता, अगर तुम तारी नज़रों गुजरी हो तो तवे पर भी मैं बना सकनी। तवे पर बड़ा ईजी यही चीज़ तैयार करके ना, तवे के उत्ते कोई जारी रखो तो उत्ते ढक्कन दे दो, आराम तवे पर ही बन जाता है। तो जरूर ट्राई करना, मैं जरूर दाँच याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।